हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लिए लेकर आई हूँ ये बढ़िया से दिखने वाले कुरकुरे से चाकोली सेब। देखिए, है ना, एकदम क्रिस्पी। इतने क्रिस्पी है ये, इतने बढ़िया बने कि ये हाथ से भी आराम से टूट जा रहे और खाने में इतने ही लजीज है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे। मैंने मेजरिंग कप से एक कप आटा लिया है, जो गेहूं का आटा होता है, ये वही है हमारा डेली वाला रोटी का आटा। और ये हाफ कप मैंने बेसन लिया है। और मैं सेम ये चावल का आटा भी लूंगी। ये चावल का आटा मैंने घर में ही पीसा है मिक्सी में, तो ये बहुत ज्यादा बारीक नहीं है, ये रवादार ही है। हम इसे ऐसे ही यूज करेंगे, इसे छानने की जरूरत नहीं है। इसे भी मैं इसी मेजरिंग कप से एक कप चावल का आटा ले लूंगी। तो इन सबको हमको कुकर में रखना है। तो सबसे पहले मैंने कुकर को, ये देख सकते हैं, पानी डाल के हल्का सा स्टैंड रख के गैस पर रख दिया। जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है, हमें लेना होगा इस तरह का एक डब्बा या जो भी आपके घर में बर्तन होगा जिसमें ढक्कन हो, इसलिए मैंने इस तरह के डब्बा लिया है। ये देखिए, आप इसे इस तरह से रखिए तो ये इसमें इजीली आ रहा है। आपको आपके कुकर के हिसाब से लेना है। तो मैं ये सारा आटा, एक कप चावल, एक कप आटा और आधा कप बेसन इसमें डाल दूंगी। अब मैं ये बॉक्स इसे अच्छे से बंद करके एयर टाइट इसमें रख दूंगी। मैंने फ्लेम हाई कर दिया है। ध्यान रखिए, फर्स्ट विसल हमें हाई फ्लेम पे लेना है, बाकी जो फोर विसल्स होगी वो हम लो फ्लेम पे लेंगे। तो हम वेट करते हैं इसकी फर्स्ट विसल का, फिर मैं इसे लो कर दूंगी। ये देखिए, हमारा कुकर प्रेशर एकदम ठंडा हो गया हमारा कुकर। मैं कुकर खोलूंगी। ये देखिए, हमारा डब्बा काफी गर्म है, इसमें हल्का सा पानी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ऐसी थाली लेंगे और इसमें आटा पलट देंगे ताकि हमारा आटा जल्दी से ठंडा हो जाए। ये देखिए, इसमें इस तरह से ढिल्ले बन गए। आप इन्हें ऐसे चम्मच से या हाथ से भी फोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी हमें इसका आटा उसलना ही है, पर हमें इन्हें पहले एक सा करना होगा। देखिए, ये ठंडा हो गया हमारा और मैंने इसके सारे जितने भी इसमें लम्स थे वो सब एक से कर दिए। तो हमारा ये मिक्सचर बढ़िया हो गया है। अब मैं इसमें जो आप देख रहे हैं ये डालूंगी, ये हल्दी है, ये आपके ऊपर है, आपको डालना है नहीं डालना है। ये तिल है, आप देख सकते हैं, वाइट तिल है। ये अजवाइन है, ये सॉल्ट है, मैं इसमें रेड मिर्च नहीं डाल रही हूं। मैं रेड मिर्च के बदले इसमें, ये मैंने पेस्ट बना के रखा है, आप देख सकते हैं, ग्रीन मिर्ची का और धनिया का ऑप्शन है। आप या तो रेड मिर्ची डालिए या तो आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। इन सबको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। मैंने गैस पे अपनी कढ़ाई रख दी है ताकि मेरा तेल गर्म हो जाए। आपको कढ़ाई को पूरा अच्छे से फुल भरना है क्योंकि हमें डीप फ्राई करनी है। तो मैंने तेल गर्म करने रख दिया है और मैं इसे अच्छे से मिलाऊंगी। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें तेल का मोयन देना है। तो ये मैंने 1/3 कप ऑयल यूज किया है। आप जितना भी ले मिक्सचर आटे का, आप उसके हिसाब से तेल डाल सकते हैं। ये लगभग है हमारा 2.5 चम्मच के करीब होगा। ये आप देख सकते हैं, इसका ये ऐसा लड्डू बन रहा है। दैट मीन्स हमारा मोयन बहुत बढ़िया है। अब मैं इसमें गुनगुने पानी से इस आटे को उसनूंगी। गुनगुने पानी से आटा उसलने से फायदा ये होगा कि जो इसमें चावल है वो बहुत अच्छे से फूल जाएगा और हमारी जो चाकोली और भी ज्यादा क्रिस्पी बनेगी। तो मैंने यहाँ पे गुनगुना पानी ले लिया। आपको आटा जो है सख्त उसलना है, बहुत ज्यादा नरम नहीं उसलना है।
देखिए मेरा बढ़िया कितना अच्छा आटा जो है सख्त हो गया है, ये ना ज्यादा हार्ड है ना ही ज्यादा नरम है। चाकुली बनाने के लिए मैं किचन प्रेस का यूज करूंगी, तो मैंने इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है। और मैंने ये वाली आप देख सकते हैं, ये चाकुली की जाली होती है, इसे यूज किया है। अब मैं इस आटे की सबसे पहले चाकुलियां निकाल लेती हूँ, इसके लिए मैं इसे टू पोर्शन में डिवाइड कर देती हूँ। मैं इस तरह से इसे रोल बना लूंगी ताकि इसमें इजीली जा सके। देखिए ये इसमें इजीली चला गया है। आप इस तरह से चाकुली को बना के निकाल लीजिए। आराम से बनाइए, बहुत खस्ता है तो ये बहुत जल्दी टूटती है। बहुत ज़्यादा खस्ता है तो ये देखिए मैंने ऐसे बनाया, मैं इतना तलती हूँ। हमारा तेल काफ़ी गर्म हो चुका है, इसमें मैं इतना सा पीस डाल के देखती हूँ। ये देखिए वो होने लगा है। अब मैं ये सब इनमें डाल देती हूँ।